हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती है वो घर स्वर्ग समान है। तो आप सभी को तुलसी विवाह एवं एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और वेलकम बैक टू स्टूडेंट फरमाइश। और आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर से लेके टू न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो 10th क्लास के बेस्ड सिलेबस होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, सी डी इज इक्वल टू वाई यूनिट्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू जेड यूनिट्स, और ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। और इस डायग्राम से आपको ये प्रूव करना है कि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय जेड। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। आप प्रूव कैसे करोगे? ऐसे नंबर्स पे जब आप प्रूव करना चाहते हो तो ऐसे नंबर्स पे सबसे पहला काम ये बनता है कि आपको ऐसे ट्रायंगल्स सर्च करना चाहिए जो ट्रायंगल्स आइदर सिमिलर हो सकें या तो कंग्रुएंट हो सके, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि सिमिलर क्या हो सकता है। ये वाला बड़ा वाला अगर मैं ट्रायंगल ले जाऊं और इसके साथ ये छोटा वाला ले जाऊं तो क्या हो सकता है? देखो, बड़ा वाला ले जाता हूं, यहाँ पे छोटा वाला ले जा रहा हूँ। छोटा वाला क्या दिया है? देखो, ये जेड दिया है, ये वाई है और ये एक्स है। इसे ना भूलें आप, ठीक है। ये एक्स है, ये जेड है, ये पी क्यू डी ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपका ए बी एंड डी ट्राइंगल है। देखो आप, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी डी एंगल है, यहाँ पे भी डी एंगल है। अगर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से देखूं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू डी, मतलब ये पहला दो के साथ क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू लास्ट दो, और लास्ट दो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो बी डी बाय क्यू डी है ना। तो आप देखो, ए बी कितना है? देखो यहाँ पे ए बी आपके पास एक्स है, पी क्यू कितना है? देखो आप, जेड, दैट इज इक्वल टू कितना है? बी डी बाय क्यू डी, ठीक है। आप इसको ले जाओ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखते हैं। अब दूसरा वाला क्या ऐसा कुछ ट्राइंगल्स है जो कि आपके लिए ये सिमिलरिटी दे सकता है क्या? जी हाँ, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले जाना आप और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल आप ले जाओ, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे? तो डायग्राम कैसे होगा? ये बनेगा आपका सी डी और ये बनेगा बी और ये छोटा वाला बनेगा पी क्यू एंड बी। तो ये आपका जेड है, पी क्यू देखो जेड है, और उसके साथ सी डी कितना है? देखो वाई है। जो दिया गया है डाटा उसी को ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब इसके साथ देखो, ये वाला भी एंगल, ये एंगल बी एंड बी सेम, और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90, तो फिर ये क्या बन गए? ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बी लिख सकता हूं मैं। सी डी बी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू बी। अगर दो ट्राइंगल सब सिमिलर हो चुके हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं? उनके साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं। तो सी डी बाई पी क्यू, सी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? डी बी बाय क्यू बी, डी बी बाय क्यू बी है। तो अब देखो, सी डी कितना है? देखो आप, सी डी कितना है? वाई है। y बाई पी क्यू कितना है? देखो आप, z है, दैट इज इक्वल टू डी बी बाय क्यू बी है ना। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या करोगे, ठीक है। आप अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर लो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो। तो x बटे z, देखो जब डिवाइड होता है तो एल एच एस पार्ट एल एच एस के पार्ट के साथ डिवाइड होता है, बटे वाई बाय जेड दैट इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी बाय क्यू डी होल अपन डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी लिख सकता हूँ, बी डी बाय क्यू बी है ना। तो ये क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ से जेड और जेड कैंसिल हो गया तो क्या निकला? एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, देखो ऊपर का बी डी और नीचे का बी डी क्या होगा? कैंसिल हो गया। ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? ये क्यू बी बाय क्यू डी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये सिंप्लीफिकेशन, ये आपका काम है। तो अब ये बना आपका इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास ऑलरेडी 3 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें कौन कौन से इक्वेशंस हमें यूज करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है,
और देखो बच्चे, ये तीसरा नंबर इक्वेशन बना, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो अब देखते हैं, कि क्या हो सकता है। अब देखो बच्चे, अब समझने की बात है यहां पे। अगर मैं लिखूं एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, यहां से आप देखो, यहां से आपको पता चल जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं। एक्स बाय जी, यहां पे देखो आप इक्वेशन वन से आओ। आप क्या करोगे, आप इक्वेशन वन से आओ, ठीक है? आप इक्वेशन वन से आओ। इक्वेशन वन आपको क्या दिया है, एक्स बाय जेड इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू डी। ये आप कहां से आए हो, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है? अब देखो, अब समझने वाली बात है। एक्स बाय जेड इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू डी। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो बी डी है आपके सामने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस बी डी कैन बी रिटन एज व्हाट, बी क्यू प्लस क्यू डी, है ना? बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस क्यू डी। तो आप यहाँ पे डालो, तो आप यहाँ पे जब डालोगे बी डी की जगह पे क्या डालोगे, बी क्यू प्लस क्यू डी होल अपन क्यू डी, है ना? तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से, एक्स बाय जेड दैट इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू डी, बी क्यू बाय क्यू डी प्लस क्यू डी बाय क्यू डी दैट इज इक्वल टू वन होता है। तो इसको लिख देता हूँ, उसके बाद नीचे स्टेप में करेंगे। एक्स बटे जेड दैट इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू डी। अब देखो बी क्यू बाई क्यू डी क्या है, देखो बी क्यू बाई क्यू डी, बी क्यू बाई क्यू डी, तो ये किसके बराबर है, क्यू बी। क्यू बी का मतलब क्या होता है, बी क्यू। तो क्यू बी बाई बी क्यू डी किसके बराबर है, एक्स बाय वाई। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बटे y प्लस क्यू डी, क्यू डी कैंसिल, कितना हो गया, इतना हो गया है ना? अब देखो आप, x बटे z दैट इज इक्वल टू वन को मैं वन बाय वन लिख सकता हूँ। y और वन में एलसीएम क्या हो जाएगा, y जाएगा। y के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, y होगा वन, वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, y, y इंटू वन y। तो ये निकल के आया ये, तो अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या निकल के आएगा फिर। तो आप देख सकते हो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वाई, तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड विद दिस होल टोटल, तो ये क्या होगा, जेड इंटू एक्स प्लस वाई, है ना? तो यहां पे अगर मैं एक्स वाई जेड डिवाइड करता हूं, तो यहां पे भी एक्स वाई जेड डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग एक्स वाई जेड, है ना? एक्स वाई जेड क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो एक्स वाई कैंसिल, कितना निकल गया, वन बाय जेड। अब जेड जेड कैंसिल हो गया, तो क्या रहा ऊपर, एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। तो अब देखो वन बाय जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बाय एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स वाई, है ना? तो अब देखो वन बाय जेड को मैं वन बाय जेड लिख सकता हूँ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना निकला, वन बाय वाई प्लस वाई वाई कैंसिल हो, तो कितना निकला, वन बाय एक्स। क्या ये आपका प्रूफ था? जी हाँ, ये हमारा प्रूफ था, लिविंग बिहाइंड वन बाय जेड इज इक्वल टू वन बाय वाई प्लस वन बाय एक्स एज योर प्रूफ। समझ में आ रहा है, दिस इज द प्रूफ। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, और वहां पे जैसे कि 45 ओवर्स खत्म हो चुके हैं, और आपके सामने सिर्फ 5 ओवर्स बचा हुआ है, तो बैट्समैन क्या करता है, जितना सारा रन्स हो सके वो गैदर करता है, और वो हमेशा फिर चौके और छक्के में ही डीलिंग करता है। ही डज नॉट डील इन वन एंड टू रन्स, ही डज नॉट डील इन सिंगल एंड डबल। वो क्या करता है, सिक्स और फोर में डील करता है। वही हालत आपका भी है बच्चे, आप लोगों का वही हालत है, और 2-3 महीना बचा है, और आप अभी सिक्स मारना स्टार्ट करो। कहने का मतलब यह है कि आप अभी से सेट लगाओ, आपको क्वेश्चंस तो पता चले कि कैसा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, आप उसी क्वेश्चंस की तैयारी करो। जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको स्किप करो, आपको ये रिसर्च करने का टाइम नहीं है, आप यहाँ पे रिसर्च नहीं करोगे। आप ये 2 महीना बचा है आप एग्जाम के लिए, यू आर नॉट देयर फॉर रिसर्च नाउ। आपको जो रिसर्च करना था, जो पढ़ाई करना था, वो आपका पढ़ाई तब आपका समर वेकेशन में था। तो आपके सामने जो अभी चैलेंज है, जो आपके पास ये चैलेंज है, वो है कि आप कैसे करके सैंपल पर जल्दी से जल्दी खत्म करो। 45 आवर्स खत्म हो चुके हैं, 5 ओवर बचे हैं, कितना आप रन रेट को बढ़ा सकते हो, आप बढ़ाओ, ये आपके ऊपर रहा, ठीक है? तो ज्यादा ना बोलते हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। जी ये क्वेश्चन मुझे
सबसे अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छा लगा ये क्या दिया गया है कि बी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई सी, मतलब डी एंड ई ट्राइसेक्ट्स बी सी। डी एंड ई क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, अगर ट्राइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब ये है कि बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा और ई सी के बराबर हो जाएगा। मान लो ये किसके बराबर है, के बराबर है, से मान लो कि ये किसके बराबर है, के बराबर है। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं मैं, तो यहां पे देखो आपका क्या लग सकता है, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो आप खुद सोचो कि एडी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे एडी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ, बी डी स्क्वायर, है ना। तो अब देखो आप, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी किसके बराबर है, के बराबर है, तो इस क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब देखो, अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर होगा, ए ई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब खुद बोलो आप, ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर, आप ए बी स्क्वायर को आप ए बी स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, अब देखो बी ई किसके बराबर, देखो ये के है, ये के है और ये के है, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, के और के पार्ट में डिवाइड करता है। तो बी ई कितना हो गया बच्चे, 2k हो गया। तो बी ई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए स्क्वायर है ना। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस 2k² मतलब 4k² दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ पे ये देखो ये ट्राइसेट क्या है, मतलब ये के भाग होगा तो ये भी के भाग होगा और ये भी के भाग होगा, इक्वल भाग में बटेंगे ये लोग। तो ये के हुआ, ये के हुआ, तो बी कितना हुआ, के प्लस ए 2k हुआ, तो बी स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 4k² मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो तीसरे वाले पे जाते हैं, क्या इतना पे ही खत्म हो जाएगा क्या, और भी एक आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ये सबसे बड़ा वाला। तो ये क्या है देखो, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये के है, ये देखो ये एंटायर बी सी होता है, ये एंटायर बी सी होता है, तो ये के है, ये के है, ये के है, तो टोटल बी सी कितना हो गया, 3k हो गया। तो बी सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3k का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k² ये बना आपका इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। तो अब आपका लक्ष्य क्या था, मैं बार बार वही बताता हूं कि आपको अपना लक्ष्य भूलना नहीं है। ठीक है, आपका लक्ष्य ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac² प्लस 5ad² आपका लक्ष्य ये है। तो हम क्या करते हैं, हम आरएचएस से आते हैं और एलएचएस में पहुंचेंगे। ठीक है, लेट अस कम फ्रॉम आरएचएस। देखो आरएचएस आपको क्या दिया गया है, आरएचएस आपको क्या दिया गया है, 3ac² प्लस 5ad² अगर आप देखोगे तो आरएचएस आपका यही होगा, 3ac² प्लस 5ad² ये है आपका आरएचएस, है ना। तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकता हूं इसको, अब देखो 3ac² किसके बराबर है, देखो आप एसी स्क्वायर किसके बराबर है, एसी स्क्वायर का बराबर किसके साथ है, ये एसी स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकता हूं अभी, ए बी स्क्वायर प्लस 9k² है ना। एसी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस 9k² प्लस 5। एडी स्क्वायर किसके बराबर है, देखो एडी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे एडी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू ए बी स्क्वायर क्या होगा,
थ्री ए बी स्क्वायर प्लस 3 × 9 k² 27 k² प्लस 5 × ab² 5ab² प्लस 5 × k² 5k² होप सो आपको ब्रैकेट्स खोलना आता ही होगा। तो अब देखते हैं, 3ab² प्लस 5ab² 8ab² है ना, प्लस 27 k² प्लस 5k² प्लस 32 k². अब देखो 8 कॉमन जाएगा तो क्या निकल के आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 8 कॉमन गया है, 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई 32, 4, 4k² बच्चे आप अभी देखो ये क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस 4k² अब देखो ये वाला, यही तो बताना चाहता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस 4k² किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस 4k² ए स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8ae² और ये तो आपका एलएचएस था, तो आपने आरएचएस से अपना सफर आरंभ किया और एलएचएस पे समाप्त किया। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ दो नंबर्स हमने डिस्कशन किया था, और अगर ऐसे कोई हैं जिन्हें समझ नहीं आया होगा तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करो, तब तक प्ले करो जब तक समझ ना आए। मुझे तो लगता है 1 बार या 2 बार अगर आप देख लेते हो ठीक से तो ये आपके लिए काफी हो जाएगा समझने में। काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ विद द प्रॉपर स्टेप्स, आप इस सभी स्टेप्स को एडप्ट करोगे। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम हॉल पे बैठे हो तो आप किसी भी कुछ भी रफ वगैरह बना के आप सबमिट कर देते हो और आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि आज मुझे तो 100% मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। दिस काउंट्स, ठीक है, ये स्टेप्स काउंट करता है, और जितना आपका स्टेप्स बेहतरीन होगा और आपका जैसा प्रेजेंटेशन बेहतरीन होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लाओगे। तो वही बात है कि आपका 45 आवर्स हो चुका है, आप अपना रन रेट बढ़ाओ बच्चे, आप रन रेट बढ़ाओ ताकि ऑपोजिशन को आपके तक पहुंचने में क्या हो, तकलीफ हो जाए। ठीक है, आप इतना स्कोरिंग कर लो, इतना स्कोरिंग कर लो कि ऑपोजिशन उसको डिफेंड ना कर पाए, ऑपोजिशन उसको पहुंच ना पाए, आपके टारगेट तक पहुंच ना सके, आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो और वो भी अपना बेस्ट देंगे, आपका अगर उनके बेस्ट से बेस्ट होता है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी बेस्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, होप सो आप सभी को समझ में आए, और फिर भी अगर आप सभी को कुछ तकलीफ होती है कहीं दूसरे नंबर्स पे तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरे जीमेल अकाउंट पे आप अपना डाउट्स को मेल करोगे या व्हाट्सएप पे मेल कर देना, ताकि मैं उस नंबर्स को फिर लेके आऊं और कुछ अच्छा स्टेप्स आपको समझा सकूं, कुछ अच्छा मेथड्स हो, अगर अल्टरनेटिव मेथड्स हो तो उसको भी समझाऊंगा, और सभी को जैसे समझ में आए और सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अपना 10th या अपना जो भी एग्जामिनेशंस हैं जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं उन सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हो, यही हम कामना करते हैं, यही हम दुआ करते हैं बच्चे। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।